नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तराखंड की 35 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर है। प्रदेश की महिलाओं को अब संपत्ति में बराबरी का हकदार बनाने को लेकर त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने पर अब मुहर लग गई है। सरकार ने महिलाओं को लेकर इस फैसले में नियम शर्तों के साथ ये फैसला लिया है। पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी अब खाता खतौनी में दर्ज करने को मंजूरी दी गई है। वहीं अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर महिला निसंतान या फिर उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। साथ ही अगर महिला के पास पैसे नहीं है और पैतृक संपत्ति या फिर खाता खतौनी में उसका नाम है, तो महिला को आसानी से लोन दिया जा सकेगा। इस मामले को लेकर पहले भी त्रिवेंद्र सरकार कदम उठा चुकी है, लेकिन अब कैबिनेट में मुहर लगने के बाद महिलाओं को लोन मिलने की राह भी आसान हो जाएगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की काफी तारीफ हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भरत ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को सुरक्षा कवच मिलेगा। इस अध्यादेश में परित्यक्त और संतानहीन महिलाओं को भी पति की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक महिलाओं के लिए अटल आयुष्मान योजना को भी लागू करवाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।